हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये ब्यूटीफुल कैंडल बनाना सिखाएंगे कि आप घर बैठे ब्यूटीफुल कैंडल कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग की तीन कैंडल्स आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये जो बाकी के कैंडल्स हैं वो आने वाली वीडियोस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्लैब के ऊपर न्यूज़पेपर डाल लीजिएगा ताकि आपका स्लैब गंदा ना हो। अब हमें वैक्स चाहिएगा, तो वैक्स के लिए अब हम यहाँ पे पुराना कैंडल यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास दिवाली के टाइम पे कैंडल्स बची हुई हैं तो आप उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें थ्रेड लेना है। ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं ये पाइपिंग थ्रेड है, आप कोई भी मोटे वाला थ्रेड इसमें यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिएगा हेयर ऑयल, हमें हेयर ऑयल ही यूज़ करना है, कुकिंग ऑयल यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप कलरफुल कैंडल बनाना चाहते हैं तो आपको क्रेयॉन्स चाहिएंगे। ये ऑयल क्रेयॉन्स हैं, इनसे हम अपनी कलरफुल कैंडल्स बनाएंगे। अब यहाँ पे मोल्ड्स की जगह हम जो है वो ग्लास, स्टील, सिरेमिक और अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टिक है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक बॉक्स, इसमें मेरा फास्ट ट्रैक का वॉच आया था, तो इसको मैं कैंडल मेकिंग में यूज़ करती हूँ। और ये इसका कवर है, और इस कवर में जो है आज हम फ्लोटिंग कैंडल बनाएंगे और इस बॉक्स में हम आइस कैंडल बनाएंगे। वैक्स को गर्म करने के लिए हम ये जो टिन का डब्बा आप देख रहे हैं इसका यूज़ करेंगे। इस ये घी के डब्बे हैं दोस्तों, तो मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। इसमें ऑरेंज कलर है, ये भी खाली है, इसमें मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगी कि आपको कैसे यूज़ करना है। एक में मेरे पास येलो कलर है और एक में ग्रीन कलर है। जो हमारा खाली वाला डब्बा है उसको लेते हैं। उसके अंदर हमें जो अपनी कैंडल है उसको अगर आप चाहें तो आप पूरे का पूरा रख दीजिए। मैंने यहाँ पे पूरा रख दिया है, आप इसके टुकड़े करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमने गैस ऑन करना है, उसको सिम कर देना है और ये जो अपना टिन का बॉक्स है ये उसके ऊपर रख देंगे। अब ये मेल्ट होता है तब तक इसको हमने बिल्कुल सेम ही रखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने अपने सभी डब्बे जो हैं वो गैस के ऊपर सिम करके रख दिए हैं। अब हम पर्पल कलर लेंगे। इस डब्बे में जो हमने पूरा कैंडल डाला था वाइट वाला, वो वाला है, तो इसमें हमने पर्पल कलर अभी ऐड करना है। तो इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। अगर आप चाहते हैं डार्क कलर की कैंडल बनाना तो आप बड़ा टुकड़ा उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। सिर्फ इसके अंदर हमने ड्रॉप करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है वो पिघलता रहेगा। बस कुछ नहीं है, अगर कलर ऐड करना है तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों ये। अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे। जिसमें हम कैंडल बना रहे हैं हमें उसको ऑयल से ग्रीस करना है। ये जो ग्रीसिंग है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप नहीं करना है। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आपका कैंडल आपके मोल्ड में ही रह जाएगा। अब हम ये थ्रेड लेंगे और उसको वैक्स में डिप कर देंगे। आपका वैक्स ठंडा होना चाहिए कि गैस बंद करने के 10-15 मिनट के बाद ही आपको ये करना है। अब उसको हम किसी भी पेन पे, किसी पेंसिल पे, जो भी आपको सही लगे उसके ऊपर फोल्ड करके आपके मोल्ड के बीच में रख देना है। अब हम जो ये दूसरा हमारा मोल्ड हमने लिया था, इसमें मैंने एक कील की हेल्प से इसमें ये होल किया हुआ है। इस होल में से इसको हम पास कर देंगे, इसको बस दूसरी साइड पास करना है, ईजी रहता है, इसमें कुछ नहीं करना। इस होल से इसको पास कर देना है। और अब ये जो दूसरी साइड है इसके ऊपर हम टेप लगा सकते हैं या फिर आप क्ले यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्ले नहीं है और आपका जो होल है वो थोड़ा मोटा है तो आप उसमें आप आटे की लोई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है दोस्तों, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो वैक्स है वो एकदम रेडी है कैंडल बनाने के लिए। तो जब वो मेल्ट हो जाए तो आप अपने गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप अपना डब्बा है वो उतारिए गैस से और उस डब्बे को हिला करके देखिएगा। अगर वो वैक्स है वो किनारे के ऊपर आपका चिपक रहा है हल्का सा, लाइक एक लेयर बना रहा है, तो आपका जो वैक्स है वो परफेक्ट है कैंडल के लिए।
अगर आप एक कलर का कैंडल बनाना चाहते हैं तो आप एक कलर उसको अंदर पूरा पोर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं दो या तीन कलर का कैंडल बनाना तो सबसे पहले आप एक कलर पोर कीजिएगा, उसके बाद उसको सेट होने दीजिएगा। सेट होने का आपको दिख जाएगा कि हाँ उसकी लेयर बन गई है। अगर वो सेट नहीं होता है और उसके अंदर आप दूसरा कलर डाल देते हैं तो सब मिक्स हो जाएगा। अब जो हम फ्लोटिंग कैंडल हैं उसको बनाने के लिए उसके अंदर वैक्स डाल रहे हैं, इसमें मैंने कोई भी कलर नहीं यूज़ किया है। ये सिंपल बस जैसा वाइट कैंडल था उसको गर्म करके मैंने इसके अंदर पोर कर दिया है। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं रोज और लेवेंडर की जो मेरे पास पेटल्स हैं उसको मैंने एकदम क्रश कर लिया है और मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अगर ये गर्म है दोस्तों तब आप ये पेटल्स डाल रहे हैं तो वो नीचे आपका चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपको ऊपर से भी ये पेटल्स दिखानी हैं तो आप 5 मिनट के बाद फिर से एक बार ये जो पेटल्स हैं आप उसके ऊपर डाल दीजिएगा। अब की बार जो पेटल्स हैं वो नीचे नहीं जाएंगी क्योंकि अब जो आपका मोम है वो हल्का सा सेटल हो गया है, अब वो फ्लोट नहीं करेंगी। तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर बन के आने वाली है ये जो कैंडल है। और ये जो ऑरेंज कलर वाला है ये सेटल हो गया है अभी, अब हम इसके अंदर येल्लो कलर पोर कर देंगे। येलो रेंज में ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है इसलिए मैंने ग्रीन कलर भी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक वो गर्म होता है तब तक हम आइस क्यूब्स लेंगे, उसको एक टॉवल में रैप कर लेंगे और उसको हमने हीट करना है। हमें बहुत ज़्यादा उसको हीट नहीं करना है, लाइक कि हमें हल्का सा छोटा टुकड़ा चाहिए, थोड़ा बड़ा टुकड़ा चाहिए, इसलिए हमें उसे 7-8 बार हम उसको जो है वो हीट करेंगे। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो बिल्कुल एकदम क्रश हो जाएगा, तो हमें उसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है। इस कैंडल के लिए हम जो है बीच में थ्रेड का यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए सेफ रहता है हमें कोई पुराना कैंडल जो है हमारे पास उसको हम यूज़ करें, तो उस कैंडल को हम इसके बीच में हम रख देंगे। यहाँ हम अब ये आइस क्यूब्स लेंगे और मोल्ड में डाल देंगे। इसमें पोर कर दीजिए। बस आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर कोई गैप ना रहे। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितना जो है वो ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे हल्की सी लाइट कम है क्योंकि बीच में एकदम से लाइट जो है वो चली गई थी दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों ये कलर आया है। अभी आपका जो येलो कलर है वो सेटल हो गया है, अब हम इसमें ग्रीन कलर पोर कर देंगे। तो कुछ ऐसा नहीं है जो कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही ईजी है ये कैंडल्स बनाना। अब हम रात भर इसको यहीं पर रख देते हैं। अगर आपके यहाँ पे सर्दी का मौसम है तो 5-6 घंटे में आपकी कैंडल्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। अगर आपके यहाँ पे गर्मी है तो आप अपने मोल्स को जो जहाँ पे आप सो रहे हैं तो उस एरिया में रख दीजिए और सुबह तक ये बिल्कुल रेडी होंगी। तो सुबह हो गई है, अब ये जो टेप है इसको हमें हटाना है। ये मैंने गर्म पानी पतीले में करके रखा हुआ है, बस इसको हल्का सा डिप करना है 2-3 सेकंड के लिए और आपका कैंडल इसमें से मोल्ड में से निकल जाएगा। ये देखो दोस्तों बहुत ही प्यारी लग रही है कैंडल, ब्यूटीफुल। इसको भी हम डिप कर लेंगे पानी में, मैंने यहाँ पे नहीं किया है। अगर आप उसको पानी में डिप कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, तो आसानी से आपकी कैंडल जो है वो मोल्ड में से निकल जाएगी। तो आपकी दूसरी कैंडल भी तैयार है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज, हल्का सा येलो एंड ग्रीन। जो आपकी आइस है वो मेल्ट हो गई है इसमें, तो इसमें पानी मिलेगा, उस पानी को सबसे पहले हमने निकाल लेना है। ये हम पानी को निकाल लेंगे, फिर हमने सेम प्रोसेस उसमें भी यूज़ करना है। इसको भी हमने पानी में डिप करना है, फिर उसको निकाल लेना है। इस कैंडल में हमें हल्का सा ध्यान रखना है, वो ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये जो आपकी कैंडल है ये हल्की सी नाजुक रहती है, तो उसको निकालते टाइम बिल्कुल आराम से हम उसको निकालेंगे,
और एक बात दोस्तों, जब आप ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी जो है वो ग्लास की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है सिरेमिक और स्टील को ही यूज़ कीजिएगा। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा कैंडल बन करके आया है, कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये देखो हमारा तीनों कैंडल जो है वो तैयार है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा जो है ऑयल कर देंगे ताकि हमारी कैंडल में हल्की सी शाइन आ जाए, और ये जो थ्रेड एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो कैंडल का साइज़ था वो हल्का सा बड़ा था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ रहा है। अगर आप एकदम सेम साइज़ लेंगे तो आपका जो ये पार्ट है वो नहीं दिखेगा दोस्तों। तो ये हमारा कैंडल हो गया। अभी हम इसको डेकोरेट करने के लिए, ये टेप है मेरे पास जो कि मैंने लोकल स्टोर से लिया था, बस इस टेप को मैंने इसके ऊपर लगाया और ये बहुत सुंदर लग रही है। तो आप प्लेन कैंडल्स को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं ये भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप उसको लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्लोटिंग कैंडल है ये देखो, ये मैंने ग्लास में रखा है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये ग्रीन वाला है और ये आपका पर्पल वाला। तो ये आपकी जो तीनों कैंडल तैयार हैं। यहाँ पे आप और भी कैंडल्स देख रहे हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। और ये जो ग्रीन वाला है इसमें मैंने हल्का सा स्पार्कल डाला है बस। अब जब आपका कैंडल बन जाए उसको हल्का सा स्पार्कल का पैकेट आता है वो उसके ऊपर छिड़क दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।